आपको संस्कृत के वो शब्द याद हैं जो हमने बचपन में पढ़े थे? बहुत से लोगों को याद नहीं होगा और इसके कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे अहम कारण तो ये है कि हम संस्कृत यूज ही बहुत कम करते हैं और कुछ इसी तरह हम अपनी मातृभाषा को भी भूल जाते हैं। पर आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक बेहतरीन कदम उठाया है जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी मातृभाषा से जुड़ेंगे और उसे बोलना भी सीखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडु वार्ता। आंध्र प्रदेश सरकार 1 से लेकर 6 क्लास के बच्चों के लिए एक क्रांतिकारी शिक्षा योजना लेकर आई है जिसके अंदर अंग्रेजी और तेलुगु दोनों भाषाओं में मिरर इमेज स्कूल कोर्स बुक्स छापने का फैसला लिया गया है। हर चैप्टर इन दोनों भाषाओं में छापा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिरर इमेज क्या है। जरा सोचिए, जब बचपन में आप शीशे के सामने कुछ रखते थे, कोई सामान रखते थे, तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको नजर आती थी। कुछ इसी तरह का एक्सपेरिमेंट आंध्र प्रदेश की सरकार बच्चों की किताबों के साथ करेगी। अब इससे फायदा क्या होगा? सही मायने में देखा जाए तो बच्चों, उनके अभिभावकों और टीचर्स के लिए ये बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इससे जो शब्द बच्चों को समझ नहीं आएंगे वही शब्द अपनी भाषा में पढ़कर उन्हें बेहतर समझ आएंगे। इसी तरह अभिभावकों को भी अपने बच्चों की परेशानी हल करने में दिक्कत नहीं होगी। उन्हें इस अनुभव से ये समझ आएगा कि तेलुगु की मदद से अंग्रेजी सीखना कितना आसान है और दूसरी भाषाओं के मुकाबले अंग्रेजी की शब्दावली और सेंटेंस फॉर्मेशन भी सबसे आसान है। अब इसके पीछे का मकसद क्या है? जो लोग इस कहावत में यकीन रखते थे कि राष्ट्र की भाषाओं में से तेलुगु सबसे अच्छी है, उन्होंने कभी ये परवाह ही नहीं की कि तेलुगु लिपि को ऐसे तरीके से बनाया जाए कि एग्रीकल्चरल फैमिलीज के बच्चे उन्हें समझ पाए। ज्यादातर लिखी हुई तेलुगु उस तेलुगु से बहुत अलग है जो खेतों में काम करने वाले लोग यूज करते हैं, और किताबों में जो तेलुगु हम पढ़ते हैं उसे पंडित भाषा कहा जाता है, जो कि कभी भी हम खेत और रसोई में नहीं यूज करते। एक ही चीज दो भाषाओं में होने से छात्र और टीचर्स दोनों के सामने आने वाली समस्याओं को सुलझाना और आसान हो जाएगा। लेकिन अभी ये डिसीजन फाइनल नहीं हुआ। सरकार के इस फैसले पर मामला कोर्ट में जा पहुंचा है। आंध्रा में सरकारी स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम में बदलने पर सुप्रीम कोर्ट अब परीक्षण करने को तैयार है, और अदालत ने इस मामले पर राज्य सरकार की याचिका पर एक नोटिस जारी किया है जिसके लिए सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 25 सितंबर को करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस विषय में जो भी अपडेट होगी वो हम आपको जरूर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने विचार हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।